तो ये जो इमाम महदी के साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जमा हो रहे हैं, तो ये जो 313 साथी हैं जिनको फिर कोई फितना नहीं पहुंच सकेगा, जिनको पहले वाले उनको पहुंच नहीं सकेंगे और बाद वाले उनको पाएंगे नहीं, और वो लोग जो बहादुर लोग होंगे जो किसी से डरेंगे नहीं, किसी की खुशामद में नहीं आएंगे, ना किसी के देने से खुश होंगे, ना किसी के किसी चीज़ के छिन जाने से डरेंगे, उन साथियों को अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह इमाम महदी के गिर्द जमा कर रहा है। अल्लाह ताला ने बोनस सेल लगा दी है, पूरी उम्मत के सामने एक हक सामने आ गया है कि भाई जिसको तौफीक है, जो ये ओपन सेल एक ओपन सीक्रेट है, हर एक के सामने पड़ा हुआ है, ये हक है, जिसको चाहिए आकर ले लो, लूट सेल लगी हुई है, कोई इसकी प्राइस नहीं है अल्लाह ताला की रहमत की कि जिसको चाहिए आकर ले ले। लेकिन अगर इस बोनस और लूट सेल को भी आके कोई नहीं लेता, इस मुफ्त की रहमत को और इमाम महदी के अवलीन साथियों में शामिल होकर अफजलु शुहदा और फितनों से पाक लोगों में शामिल नहीं होना चाहता, तो उसकी अपनी बदकिस्मती है। और बाज़ तो बदनसीब ऐसे हैं कि अबू लहब की तरह गालियाँ देते हैं कि जैसे अबू लहब ने कहा था कि तबका या मुहम्मदा नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो अल्लाह ताला ने खुद जवाब दिया था कि तब्बत यदा अबी लहब, ए अबू लहब तू तबाह हो जा, तेरे हाथ टूटे। तो इमाम महदी को भी यही दिखाया गया है कि जो लोग मोहम्मद कासिम को बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, बदजुबानी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, अगर वो तौबा भी कर लें तो क़्यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ऐसे गरेबान से पकड़ कर झंझोड़ते हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरे बेटे के बारे में ऐसे अल्फाज कहे। तो जो लोग ऐसे बातें कर रहे हैं उनको, उनके लिए वार्निंग है। और बाकी जो लोग इंतज़ार में हैं, वह फ़ौरन इस्तखारा करें, इस लूट सेल में शामिल हो जाएं, इमाम महदी के साथियों में शामिल हो जाएं, फिर ना कहना कि खबर ना हुई। और ये एक सिलसिला है जो आप देखेंगे कि जो लोग, जिन लोगों ने इमाम महदी के इस पहले जलसे में शिरकत की है, उन्होंने फिर अपने तासुरात का भी इजहार किया है, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि हम कैसे इस हक तक, खैर तक पहुँचे, हमें कैसे पता चला कि ये यही हक है और यही इमाम महदी होंगे। तो ये एक पूरी सीरीज़ है जो आप देखते रहेंगे, वन बाय वन हम आपको मुख्तलिफ़ इमाम महदी के जो 313 साथी शामिल हो रहे हैं उनकी जो राय है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। अहमदु नसली अला रसूल करीम अम्माबाद फ़ाउज बिल्लाशतरजी बसमीम आपका होस आकिब नातुल्ला। आज हम हमारे भाई हैं और माशाल्लाह काफ़ी दिन के बाद जो है आज हमारी पहली मुलाकात हुई है और माशाल्लाह। फैसल कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा फैसल भाई भी हमारे जो हैं माशाल्लाह वो उन्हीं लोगों में से हैं जो कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के जो ख्वाब हैं उनको फैला रहे हैं, उस पर यकीन करते हैं, इनकी वीडियोज़ भी आपने देखी होंगी। आज हम इससे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या था, वही जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। फैसल भाई सबसे पहले तो बताएं कि आप किस तरह से पहुंचे कासिम भाई के ड्रीम्स तक और कैसे यकीन करना स्टार्ट किया आपने? साकिब भाई मैं सऊदीया में होता था तो वहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम कासिम भाई की वीडियो देखी थी। अच्छा, किस सन में? ये तकरीबन 2016 में। अच्छा माशाल्लाह जी। तो उससे पहले ना मैंने इमाम महदी के टॉपिक पे बहुत सर्च की थी। अच्छा, तो जो हमारे आलिम हजरात हैं उन्होंने एक हदीस को पढ़ के ना एक दो चीज़ें बहुत हम लोगों के जहन में बिठा दी कि एक तो इमाम महदी का नाम जो है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही होगा। सही है। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि वो उनका जो जहूर और बैत वो एक ही चीज़ है, वो मक्का मुकरमा में होगा। सही है। तो जब मैंने कासिम भाई की वीडियो देखी तो उसके बाद मज़ीद सर्च करने का मौका मिला तो फर्स्ट टाइम ही ना मुझे ऐसा लगा कि ये ना यानी कि इमाम महदी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा, वो अच्छा। जो सवाल थे ना वो मेरे जहन के अंदर ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे थे। अच्छा सही है, ठीक है। तो ऐसे ही एक दफ़ा यानी जैसे इंसान को इल्हाम या अल्लाह ताला की तरफ से होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था इस बारे में तो एकदम से ख्याल आया कि अब्दुल्ला भी तो वही मतलब बनता है और अब्दुल करीम भी वही मतलब बनता है, तो मेरा ना ये डाउट वहाँ से क्लियर हो गया।
तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज भी किया, बहुत सारे उमरे भी किए, लेकिन मुझे इस तरह का ड्रीम उससे पहले कभी नहीं आया। अच्छा, तो मुझे खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अच्छा माशाल्लाह। तो ऐसे आप बैठे हुए थे और उनके इर्द गिर्द ना चंद लोग बैठे थे। अच्छा, तो थोड़ी दूर ना एक दीवार थी और उसकी ओट में खड़े होकर ना मैं देख रहा था उनको। अच्छा, दूर से जी। तो जब मेरी आँख खुली तो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था, तो मेरा पूरा जिस्म यानी गवाही दे रहा था। सही है। तो उसके बाद फिर मैंने ना सीरियस होके ना मोहम्मद कासिम भाई के बारे में ना इंतज़ार रहना कि कब न्यू ड्रीम आएगा, अपलोड होगा। सही है। लेकिन ना अल्लाह ताला की तरफ से था कि वो मेरा किसी के साथ रابطہ या वो चीज़ नहीं हुई। अच्छा। तो पिछले रमज़ान के अंदर ना एकदम से मेरे जहन में ख़्याल आया कि मुझे नहीं पता था कि अवैस नसीर भाई ने कोई चैनल बनाया हुआ अलग से। अच्छा, उस टाइम तक आपने किसी को ना मिले ना कुछ हुआ? नहीं नहीं, उससे अच्छा। पहले किसी से भी नहीं मिले। तो एकदम से जहन में आया क्योंकि एक दो वीडियो जो है ना मैंने देखी हुई थी कासिम भाई के चैनल पे अवैस नसीर की। ठीक है। तो मैंने नाम लिख के सर्च किया, मैंने कहा कि देखूँ इनका कोई अपना चैनल भी है। तो उसके अंदर व्हाट्सअप नंबर था। ठीक है। तो वहाँ से फिर अवैस भाई के साथ रब्ता हुआ, फिर कासिम भाई के साथ मुलाकात हुई। तो वो जो डाउट्स थे ना वो आहिस्ता आहिस्ता सब क्लियर होते चले गए। अच्छा माशाल्लाह। तो इससे पहले यानी कि वो उलमा कराम से अहदीस सुनी हुई थी। अच्छा। फिर अल्लाह ताला ने तौफीक दी, पढ़ने का मौका मिला, तो फिर हर चीज़ ऐसे ना वाज़ेह हो गई। अच्छा माशाल्लाह। तो फिर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें यानी मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। बेशक बेशक, ये तो बहुत सारे लोग भी ऐसे ही हैं जिस तरह उनके ड्रीम्स पे यकीन भी करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला ने उनके दिलों को खोल दिया, उन पे अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दिए। ये सारा अल्लाह की रहमत ही है बेशक। अच्छा फैसल, इसमें ये बताएं कि जब आपने ड्रीम्स को पढ़ा, ड्रीम्स को सुना और फिर आपने जब आगे देखा, तो आपको इनमें क्या ऐसी बात, कोई अलग ड्रीम्स हैं इनके या आम से ड्रीम्स हैं, क्या आपको लगा? नहीं, अलग देखे ना, कि मैंने आपको बताया शुरू में कि मुझे एक दफ़ा ज़्यारत हुई माशाल्लाह, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। तो अब मुझे ज़्यारत हुई है, अगर एक इंसान कह रहा है कि मुझे इतने सौ दफ़ा ज़्यारत हुई है, सही है, तो मैं कैसे उनकी बात का यकीन ना करूँ माशाल्लाह। देखे ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और जब फर्स्ट टाइम मेरी अवैस नसीर से बात हुई ना, तो मैंने कहा कि कासिम भाई से मुलाकात हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि वो मिलते नहीं हैं ज़्यादा लोगों को ना। ठीक। तो फिर मैंने मज़ीद पूछा तो उन्होंने कहा कि आप इस्तखारा करें। अच्छा। तो मैंने तीन दिन इस्तखारा भी किया, लेकिन मैंने अल्लाह से ये दुआ की कि यार ना मुझे वो ड्रीम देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। बस अगर ये हक है ना तो मुझे इस रस्ते पर चला दें। तो उसके बावजूद फिर जब कासिम भाई से मुलाकात हुई दो तीन माह के बाद, फिर मैंने एक ड्रीम देखा के नूर से भरा हुआ था, लिखा हुआ था इमामुल महदी उर्दू के अंदर। अच्छा माशाल्लाह, आसमान पे जी। अच्छा, तो ये मैंने ड्रीम देखा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो असल में ड्रीम होता भी जो है ना वो हमारी तसल्ली के लिए है। तो यकीन तो वैसे ही दिल से होता है ना, दिल से होता है, तो ये चीज़ है। अच्छा माशाल्लाह। तो फैसल, इसमें एक और बात बताएं फिर कि जब ड्रीम्स को आपने सुना और फिर आगे आपको यकीन भी होना शुरू हुआ, तो आपको ऐसा फील हुआ कि यार इनसे जो ड्रीम्स अल्लाह ताला ने जो दिखा रहा है और बता रहा है हमें, उसमें खबर दे रहे हैं अल्लाह, तो अल्लाह ताला से हम लोग ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं या दूर होते जा रहे हैं? जी बिल्कुल। आपने क्या तब्दीली अपने अंदर में? बहुत ज़्यादा तब्दीली है, क्योंकि इससे पहले यानी हम आलिमों को घर में सब कुछ सुनते तो हैं, लेकिन इस चीज़ की तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दिलाई कि जो शिर्की इकसाम है। सही है। तो ये कासिम भाई के ड्रीम्स जब सुने पढ़े तो फिर इसके बारे में पता चला, तो जब गौर किया तो वाकई ऐसे ही है कि जो शिरकी इकसाम बताई गई हैं, पिक्चर हर चीज़ पे है, और पिक्चर तो एक छोटी किस्म है। यानी आज हमारा पाकिस्तानी माशरा जिस हद तक शिरक में डूबा हुआ है, कबर परस्ती यहाँ पे आम है और पीर परस्ती बहुत आम है यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि जो हालांकि हदीस मुबारक में हमें बता दिया गया कि इमामुल महदी की इस्लाह होगी,
तो इस्लाह की ज़रूरत भी उसको होती है जिसके अंदर शॉर्ट कमिंग्स होंगे। वैसे आप किसी आलिम के पास चले जाएं, उसे आप कहें कि आपको इस्लाह की ज़रूरत है, तो वो आपसे लड़ पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो यानी जिसमें कोई शॉर्ट कमिंग्स होंगी उसी की इस्लाह होती है। तो ये बता भी दिया कि हमें अहदीस मुबारक के अंदर। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो यानी कि कासिम भाई की दाढ़ी पे और पेंट शर्ट पे और इस तरह की बातों पे ज़्यादा फोकस करके तो बुरा भला कहते हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है बहुत ज़रूरी कि अगर मौजूदा माशरे के अंदर जैसा हमारा माहौल है, तो अल्लाह ताला ने अगर कासिम भाई को दाढ़ी रखवाई होती और शलवार कमीज़ पहनते होते, पगड़ी पहनते होते, तो कासिम भाई तो दूर की बात, इनके गेट के बाहर लोगों ने सजदे करना शुरू कर देने थे। बिल्कुल सही, क्योंकि ये हमारे माशरे का एक माहौल ऐसा बन चुका है। आप देखें ना कि कोई झूठा पीर, कोई फकीर, कुछ होता है ना झूठ बोलने वाला, उसके पास लोगों की ऐसे लाइनें लगी होती हैं, लोग झुक रहे होते हैं, सजदे कर रहे होते हैं और उनको सारा कुछ समझ रहे होते हैं। ऐसे ही है, तो कासिम भाई से मिल के फिर असल जो है ना चीज़ समझ में आती है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो शिर्क को अवॉइड करना है और अल्लाह पर तवक्कुल करना है। और जितना अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे तभी ये मामलात भी समझ में आएंगे। क्योंकि आपने भी और दोस्तों ने भी अहदीस से बहुत सारी दलील दी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह से हक तलब करता है। देखे ना, मैं वहाँ पे सऊदीया में ख़ुद जाकर जब कासिम भाई से नहीं मिला था तो मैं मक्के मदीने दुआएं करता था कि अल्लाह हक, अगर ये हक है तो मुझे इनके साथ शामिल कर, तो आपके सामने ही है, नहीं तो गुनहगार से बंदे हैं, नाचीज से बंदे हैं कि अल्लाह ताला ने मिलवा भी दिया और सारा यानी कि ये सारे मामलात कर दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस फैसल, और दूसरा एक और अहम सवाल भी ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, मैं बहुत कम लोगों से ऐसा सवाल करता हूँ क्योंकि मैं लोगों के तासुरात को लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि देखें लोगों के अपने तासुरात हैं, मैं हम कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोल रहे जिसमें कि कोई ऐसी गलत बात हो ना। तो मैं अब आपसे डायरेक्ट सवाल भी करता हूँ कि आपको, आपने बताया भी कि आपको जो ड्रीम आया था माशाल्लाह जिस पे आपने देखा कि इमामुल महदी लिखा हुआ है आसमान के ऊपर, तो कासिम भाई के जो ड्रीम्स हैं आपको क्या लगता है कि लोग या आप ख़ुद उन समझते हैं कि वो इमामुल महदी हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। हम लोग तो, बल्कि मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ से यानी बहुत ज़्यादा डरता हूँ। लोग तो सवाल उठाते हैं ना कि इस चीज़ की बहुत एहतियात करते हैं कि अब जैसे स्टार्ट में ना लोग उसकी ताबीर पता नहीं क्या लेते हैं, जो मेरी समझ में आई थी स्टार्टिंग में कि 5-5.5 साल पहले कासिम भाई के चैनल पे अपलोड हुआ है जलजले वाला ख्वाब, उसके अंदर बाकायदा बताया जा रहा है कि जो कारोबारी इमारतें हैं ना वो कमज़ोर होती हैं और वो गिरना शुरू हो जाती हैं। तो उसके बिल्कुल कुछ अरसा के बाद कोरोना आया तो उसके अंदर हमने देखा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कारोबार इफ़ेक्ट हुए हैं लोगों के, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी, पूरी मईशत ही लोगों जी मुल्कों की जो है वो तो डाउन हो गई। अभी भी कासिम भाई के बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं ना, तो लेकिन हम सोच समझ के बात करते हैं, तो इस बात में तो कोई शक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। बस कोई पैगाम फैसले से आप तो दे ही चुके हैं पैगाम, लेकिन फिर भी आखिर में कोई ऐसा पैगाम जो लोगों को आप बताना चाहें, देना चाहें कि क्या करना चाहिए हमें? बस पैगाम साकिब भाई यही है कि जिस तक ये पैगाम पहुंचे, क्योंकि ये कोई दुनियादारी की तंजीम या कोई झूठ या कोई फ्रॉड ऐसी बात तो है नहीं, जहाँ तक पैगाम पहुँचे सबसे पहले ख़ुद को, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताएँ, शिर्क से बचाएँ, शिर्क से बचने का बोलें, और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये पैगाम पहुँचे इसको दूसरों तक पहुँचाएं। बस ये दो बातें और तो कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया फैसल आपके टाइम का जी, जज़ाकअल्लाह।